मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। जी मैं मनमोहन मिश्रा और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मनमोहन जी आप फिल्में करते हैं अभी, कौन कौन सी फिल्म कर रहे हैं आप? जी मैं अभी तक 3 मूवी कर चुका हूँ अपने भोजपुरी में, और फर्स्ट मेरी मूवी है टाइगर अभी जिंदा है, उस पर मेरी को एक्ट्रेस हैं अंजना जी और पूनम दुबे जी और पायस पंडित जी, उसमें हमारे साथ को एक्टर हैं संजय पांडे जी, नीरज यादव जी, बहुत ही अच्छी और प्यार से मूवी बनाई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं श्री रवि सिन्हा जी, और हम लोगों ने बहुत सारे लोकेशन पर शूट किया है, फॉरेन कंट्री में शूट किया है, दुबई में शूट किया है, और बड़े ही प्यार से बड़े ही लगन से हम लोगों ने मूवी बनाई है और बहुत ही प्यारी मूवी बनी है, और जल्द से जल्द ये रिलीज होने वाली है। तीनों में से कौन सी फिल्म पहले आएगी? एक्चुअली तीनों में से सबसे पहले मूवी आएगी टाइगर अभी जिंदा है, जो कि रेडी टू रिलीज है, और उसके बाद आएगी हथकड़ी, और हथकड़ी के बाद आएगी शक्ति। टाइगर अभी जिंदा है सलमान खान की बड़ी हिट फिल्म थी, उसे आप लोग भोजपुरी में बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गैर इंसाफी है? जी नहीं, एक्चुअली हमारी मूवी टाइगर अभी जिंदा है, और हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हमने उसका नाम रखा कि टाइगर अभी जिंदा है, बट उसमें हमारी स्क्रिप्ट में स्टोरी में कोई भी मैचिंग नहीं है। मैं वहाँ पे एज ए टैक्सी ड्राइवर प्ले कर रहा हूँ, एंड मेरे इस मूवी में डबल रोल है एक्चुअली, वन ऑफ द स्टूडेंट और एक टैक्सी ड्राइवर प्ले कर रहा हूँ जो दुबई में टैक्सी चलाता है, और उसे पता चलता है कि मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि दुबई का टैक्सी ड्राइवर इंडिया में आता है, और यहाँ पे पूरी स्टोरी है। हमारे कोई भी टाइगर अभी जिंदा है से कुछ भी मैच नहीं है, इसमें ऐसा किरदार निभाया गया है, ऐसा किरदार किया गया है जिसके नाम से, जिसके लिए हमको इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये नाम रखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। आप अभी फिल्मों में आए, इससे पहले आपकी क्या पहचान थी, आप क्या करते थे? जी उससे पहले तो मैं गांव में रहता था, गांव में पढ़ाई करता था, और खेती बाड़ी का अपना छोटा मोटा काम था, गाय वगैरह चराना, ये सारे चीज काम था। मतलब आप भी गाय भैंस चराते थे? जी चराता था सर, करीब 2003 से लेके 2010 तक मैंने गाय चराई है। अच्छा आपको पता है हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी भी गाय भैंस चराते थे? जी मैंने सुना है कि खेसारी भाई अभी एक दो बार इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, और वो मेरे आइडियल हैं, मेरे बेस्ट हीरो हैं, और सबसे ज्यादा मैं उनको लाइक करता हूँ। खेसारी लाल से कभी मिले हैं आप? खेसारी भाई से एक बार मुलाकात हुई थी नागदेव के सेट पे, और बस हो गया, एक ही बार मुलाकात मेरी उनकी हुई है। क्या बातचीत हुई थी तब? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत हाय हेलो, वो काफ़ी बिजी थे काम को लेकर, तो मैं गया था नागदेव के सेट पे और थोड़ी सी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बहुत बातचीत हुई, ज़्यादा कुछ खास बातचीत नहीं हुई, पर बहुत अच्छे से प्यार से मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं, एज ए बीइंग ह्यूमन बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और एज ए एक्टर वो मेरे फेवरेट हैं, और बहुत ही मतलब मैं उनका दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने उन्हें ये बात बताई कि आप भी असल में गाय भैंस ही चराते थे? जी नहीं, ये बताने का मौका नहीं मिला, बट जब मैं उनसे नेक्स्ट टाइम कभी मिलूंगा और अगर इस बारे में चर्चा हुई तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। अगर खेसारी भाई ये इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? खेसारी भाई अगर देख रहे हैं तो मतलब मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं खेसारी भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं भी उनके जैसा कुछ करना चाहता हूं, अगर मैं उनके हिसाब से अगर उनका 50% भी कर पाऊं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, और वो तो ही इज माय आइडियल एंड ही इज माय हीरो। उन्होंने बड़ी मेहनत की, आप जब ये जानते होंगे कि गाय भैंस चराने वाला हीरो कैसे बना, तो आपने ये भी सुना होगा कि बड़ी मेहनत की खेसारी लाल ने, आप उतनी मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं? सर मैं भी मेहनत करता हूं और हिम्मत रखता हूं, और मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी मेहनतें की हैं, भैया ने बहुत मेहनत की है सभी को पता है, इसीलिए आज भैया उस मुकाम पे हैं और भैया को सभी लोग इतना प्यार करते हैं, और मैं भी जिस जगह से आया हूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा मैंने भी मेहनत की है और अभी मेहनत चली रही है कंटिन्यू, बस भगवान है और कि एक दिन सक्सेस मिले। हीरो क्यों बने आप? बचपन से ये था कि बचपन से मूवी देखता था तो ऐसा लगता था कि एक दिन मैं भी बड़ा होकर एक एक्टर बनना चाहता हूँ, और बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन चल के सक्सेसफुल एक्टर बनूँ।
कोई फॉर्मल ट्रेनिंग अभिनय की या फिर डांस की आपने ली है कहीं से? नहीं, मैंने डांस और एक्टिंग की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। और मैंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, मैंने फाइट सीखा है, लेकिन मैंने कहीं भी डांस एंड एक्टिंग की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। जस्ट ऑडिशन से मुझे पहला काम मिला था दुश्मन सरहद पार मूवी में, और उसमें मेरा छोटा कैरेक्टर था। आफ्टर दैट सर को काम पसंद आया, तो उन्होंने अपनी दूसरी मूवी मुन्ना वाली में मुझे चांस दिया। एंड मुन्ना वाली ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है, काफ़ी अच्छा उसमें मेरा कैरेक्टर था। उसके बाद सर ने मुझे ऑफर किया टाइगर अभी जिंदा है, और बैक टू बैक मैंने तीन एज अ लीड हीरो मैंने मूवी कंप्लीट की, जो जल्द से जल्द रिलीज होने वाली है। अपने हीरोइनों के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी पहली मूवी में टाइगर अभी जिंदा है मैं एक्चुअली मेरे अपोजिट थ्री हीरोइंस हैं, और अंजना जी और पायस पंडित जी, पूनम दुबे जी। बहुत ही मेरा कॉम्बिनेशन हर किसी के साथ, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, और मैं एज अ फ्रेशर था, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी कोऑपरेटिव एक्टर हैं। मेन अंजना जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उनका एज अ लीड वो मेरे अपोजिट हैं टाइगर अभी जिंदा है मैं। तो तीनों हीरोइन बहुत ही अच्छी थी, और अंजना जी के साथ तो मेरी जोड़ी ऐसी हुई कि अब लगातार तीनों मूवी में मैं और अंजना जी साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ काम करके रियल में बहुत अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से उनको पर्दे पे देखता था, और अब मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो ये एक काफ़ी एक्साइटमेंट था मेरे लिए, और अब बहुत ही अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छे हैं, हम फ्रेंड हैं। पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी, इन तीनों सुपरस्टार्स में से किसी के साथ फिल्म करने के लिए मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगे? मैं सभी के साथ काम करना चाहता हूं, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये निरहुआ जी और पवन भैया सभी बड़े बहुत अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी बड़े स्टार हैं, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हर किसी के साथ काम करना चाहूँगा। सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस आपकी कौन सी है भोजपुरी में? सर, सबसे पसंदीदा एक्टर्स मेरी सभी हैं, मैं अभी जिनके साथ मैंने काम किया मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और मुझे अमरपाली जी का डांस बहुत अच्छा लगता है, अमरपाली जी की एक्टिंग अच्छी लगती है, काजल जी की एक्टिंग, मतलब सभी अच्छे लगते हैं मुझे। खेसारी लाल की फिल्म आ रही है जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, कुली नंबर वन, 5 तारीख को, 5 जून को, आप देखने जाएंगे? डेफिनेटली जब वो मुंबई में रिलीज होगी तो मैं देखने चाहूँगा, और मेरे बेस्ट विश है कि भैया की मूवी हर हमेशा की तरह ब्लॉकबस्टर हिट हो। कुछ फैन से कहना है आपको जाने से पहले? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी टाइगर अभी जिंदा है मूवी जल्द से जल्द रिलीज होने वाली है, तो बस मैंने हम लोगों ने लगन और मेहनत से, काफ़ी लगन और मेहनत से मूवी बनाई है, बहुत ही प्यारी मूवी बनी है, तो सब लोग अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।